एक रात गहरी अंधकार में लिपटी एक छोटी सी गांव की बस्ती में एक मोबाइल ने आत्मीयता का अनुभव करना शुरू किया। यह कहानी उस भयानक रात की है जब एक बच्चा एक पुराने और रहस्यमय मोबाइल को प्राप्त करता है। इस मोबाइल के अंदर बच्चे को दरारों के रूप में जीवित होने का एहसास होता है। जब वह इसे छूता है वह भयानक और विचित्र तस्वीरें देखने लगता है जो उसे घबराती हैं। ऐसे लगता है कि इस मोबाइल की आत्मा ने बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया है। एक रात बच्चा ने इस मोबाइल पर एक नया गेम खेलने का फैसला किया। जब वह गेम खेलने के लिए मोबाइल को चालू करता है तो वह देखता है कि मोबाइल के साथ कुछ विचित्र घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन बाहरी आवाजों से भर जाती है जो बच्चे को अद्भुत प्रतीत होती हैं। फिर मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और मोबाइल की आवाजें अचानक से बदल जाती हैं। बच्चा घबराता है और मोबाइल को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन मोबाइल जीवित हो जाता है। अचानक मोबाइल की आवाजों में गुहार लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे इस जगह से जाने दो। बच्चा विचलित होकर पूछता है, तुम कौन हो? और मोबाइल बोलता है, मैं एक भूतिया मोबाइल हूँ जो कई सालों से यहाँ अकेले में पड़ा हुआ है। तुम मुझे उस व्यक्ति को देंगे जिसने मुझे प्राप्त किया है। भूतिया मोबाइल की इस आवाज से डरकर बच्चा मोबाइल को खींचकर बाहर फेंक देता है और घर में वापस चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है मोबाइल वापस आ जाता है और फिर से वही सब घटनाएं घटती हैं। मोबाइल का आवाज बदलता है, स्क्रीन बाहरी आवाजों से भर जाती है और बैटरी खत्म हो जाती है। इस भूतिया मोबाइल के प्रभाव से दीवारें कांपने लगती हैं, आवाजें घूमती हैं और बच्चा भयभीत होकर रोने लगता है। वह बहुत डर गया है और अपने माता पिता के पास भागता है। बच्चे के माता पिता इसकी कहानी सुनकर चिंतित हो जाते हैं और एक पुराने पंडित को बुलाते हैं। पंडित भूतिया मोबाइल को देखते ही उसे पहचान लेते हैं। वह बताते हैं कि यह मोबाइल एक आत्मा का वासग्रस्त होता है और इसे नष्ट करने के लिए कुछ विशेष पूजा अर्चना की जरूरत होगी। वे एक पूजा का आयोजन करते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। भूतिया मोबाइल की शक्ति खत्म हो जाती है और बच्चा और उसके परिवार को अंततः आराम मिलता है। यह थी एक भयानक भूतिया मोबाइल की कहानी। यह दिखाती है कि कभी कभी हमें पुरानी चीजों को अंधविश्वास के चक्र में न फंसने देना चाहिए, क्योंकि कुछ अज्ञात और रहस्यमय हो सकता है जो हमारे लिए आपत्तिजनक साबित हो सकता है।